आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एनसीईआरटी इंग्लिश क्लास 11 से स्नैपशॉट के अंतर्गत लेसन नंबर 2 द एड्रेस। इसकी राइटर हैं मार्गा मिनको। मार्गा मिनको का जन्म 31 मार्च 1920 को हुआ था। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, और इनके परिवार को उस समय निर्वासित कर दिया गया था, लेकिन ये जैसे तैसे अपने निर्वसन से भाग निकली थी मार्गा मिनको, और आगे चल करके इन्होंने जो है अपनी पहली बुक 1957 में पब्लिश की थी, और इन्हें अपने कार्यों के लिए, राइटिंग्स के लिए अवार्ड भी मिला, पुरस्कार भी दिया गया। इनका विवाह पोएट बर्ट वेटन से हुआ था। इस पाठ में इन्होंने एक बहुत ही मनोवैज्ञानिक रुचि की कथा को यहां पर एक बहुत ही मार्मिक, जिसको आप बोलते हैं पायोगनंट, जिसको बोल सकते हैं आप मार्मिक एक कथा को, कहानी को यहां पर उन्होंने दर्शाया है, जिसका शीर्षक उन्होंने रखा है द एड्रेस, जिसमें कि जो वार टाइम का जो समय होता है, युद्ध के दौरान का जो समय होता है, उसमें किस प्रकार से एक युवा मस्तिष्क काम करता है, उसको बड़े ही साइकोलॉजिकल ढंग से जो है नैरेटर ने यहां पर बताया है। क्योंकि यहां पे जो नैरेटर हैं, वह जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, जब हॉलैंड जो है अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, उस समय की घटना को इसमें दर्शाया गया है। और नैरेटर के पास केवल उनकी मां जो है उनके घर पर थी, और किस प्रकार से युद्ध के दौरान जो घाव लगते हैं मन मस्तिष्क पर, उसका बहुत ही मार्मिक चित्रण यहां पर मार्गा मिनको ने किया है। तो आइए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डू यू स्टिल नो मी, आई आस्क, क्या तुम अब भी मुझे जानती हो, मैंने पूछा। द वुमन लुक्ड एट मी सर्चिंगली, उस औरत ने मेरी तरफ ध्यानपूर्वक देखा। सर्चिंगली का मतलब होता है ध्यानपूर्वक। यहां पर शी हैड ओपन द डोर ए चिंक, उन्होंने अपने दरवाजे को हल्का सा खोल रखा था। चिंक का मतलब होता है थोड़ा सा खोलना, बहुत ज्यादा नहीं, जिसमें से सर निकल जाए, उतना केवल जो है खोल रखा था। आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप, तो मैं, यहां पे नैरेटर कह रही है कि आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप, मैं उसके और पास तक गई, निकट तक गई, और सीढ़ियों के पर खड़ी हो गई। स्टूड ऑन द स्टेप, स्टेप माने जो सीढ़ियां होती है, उसकी जो पायरिया होती है ना, उस पर जो है मैं खड़ी हो गई। नो आई डोंट नो यू, और अंदर से जो महिला खड़ी थी, उस महिला ने जो है नैरेटर को जवाब दिया, नहीं, मैं आपको नहीं जानती। तो नैरेटर वहां पर बताती हैं उस महिला से जो दरवाजे पर खड़ी है, आधे से खुले हुए दरवाजे पर, आई एम मिसेस सास डॉटर, मैं श्रीमती सा की पुत्री हूं। ऐसा जो है नैरेटर उस महिला को बताती है। शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर
एज दो शी वॉन्टेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर। तो इस पर जो है वह महिला जो दरवाजे को थोड़ा सा खोले थी, वह जो है दरवाजे पर अपने हाथ को और मजबूती से पकड़ती है। एज दो, जैसे कि शी वॉन्टेड टू प्रिवेंट, जैसे कि वह रोकना चाहती हो इट ओपनिंग एनी फर्दर, जैसे कि वह अपना जो दरवाजा जितना उसका खुला है वो उसको उतने में ही रोकना चाहती थी, उससे अधिक वो खोलना ना चाहती हो, इस तरीके से जो है कठोरता से वो अपने दरवाजे को पकड़े हुए थी। हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन, उसके चेहरे ने मुझे जान पहचान के कोई संकेत नहीं दिए। अर्थात जब मैंने उनसे पूछा कि क्या आप मुझे जानती हैं या सा को जानती हैं, मैं सा की पुत्री हूं, तो इस पर उनके चेहरे पर ऐसा कोई भाव नहीं आया जिससे मैं समझ सकूं कि वह जो है उनसे परिचित हूं। She kept staring at me in silence. वह शांतिपूर्वक केवल मुझे एकटक देखे जा रही थी। Perhaps I was mistaken. शायद मुझसे गलती हो गई थी, ऐसा मैंने विचार किया। I thought. Perhaps isn't her. शायद वह नहीं थी जिसे मैं खोज रही थी। I had seen her only once, flittingly, and that was years ago. और मैंने उन्हें, मतलब जिससे मैं मिलने वहां गई थी, उन्हें जो है मैंने केवल एक बार देखा था, flittingly, flittingly मतलब होता है क्षण भर के लिए, एक मतलब सरसराती हुई नजर से, एक झलक में देखना जिसको बोलते हैं आप, एक क्षण के लिए नजर उसको में टिकाना और फिर अलग कर देना, उसको बोलते हैं फ्लिटिंगली। तो आई हैड सीन हर ओनली वंस फ्लिटिंगली, मैंने उन्हें जो है जिनसे मैं मिलने गई थी वहां पर, उन्हें केवल एक नजर में देखा था, एक क्षण के लिए देखा था, और वह भी दैट वॉज इयर्स एगो, माने कई वर्षों पहले। इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल दैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल, ऐसा मुझे नितांत संभव लगा कि दैट माने प्रोबेबल माने संभावना, संभावना होती प्रोबेबिलिटी जैसे बोलते हैं आप लोग, प्रोबेबल माने संभवता है ना, और मोस्ट माने अत्यंत संभवता, ऐसा लगा कि आई हैड रंग द रॉन्ग बेल, कि मैंने किसी गलत घर के घंटी को जो है बेल को, डोर बेल जो होती है उसको मैंने दबा दिया है। मुझे ऐसा लगा कि मैंने जो है किसी के गलत घर की जो है घंटी को दबा दिया है, अर्थात मुझे जिस घर के में जाकर के घंटी दबाना चाहिए था, कॉल बेल दबानी चाहिए थी, उसको न दबा करके मैं किसी गलत घर में जो है पहुंच गई हूं, ऐसा मुझे प्रतीत हुआ। द वुमन लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप टू साइड, वह महिला दरवाजे से एक और हट गई और दरवाजे को छोड़ दिया। एंड स्टेप द टू द साइड मतलब एक तरफ जो है वो हट गई दरवाजे को छोड़ करके, ठीक है। जब वो हटी मतलब दरवाजे को जब छोड़ करके हटी थोड़ा सा, तब मुझे वो संपूर्ण रूप में दिखाई दी, नैरेटर कह रही है। और जब नैरेटर ने उन्हें देखा उस रूप में, तो शी वॉज वियरिंग माई मदर्स ग्रीन नीटेड कार्डिगन, तो मैंने देखा कि वह महिला जो है पहने हुए थी, वियरिंग माने पहने हुए होना, माई मदर्स ग्रीन नीटेड कार्डिगन, नीटेड का मतलब बुना हुआ, ग्रीन माने हरा, कार्डिगन मतलब एक प्रकार का स्वेटर होता है, ठीक है, थोड़ा सा जो है दो तरीके से होता है वो, या तो एक लंबा हो जाएगा या तो फिर छोटा, माने बुना हुआ आप कह सकते हैं, जो हाथों से बुना हुआ होता है उसको हम कार्डिगन कह सकते हैं, ठीक है। तो मदर्स ग्रीन नीटेड कार्डिगन मतलब कि मेरे माँ के द्वारा बिना हुआ हरे रंग का वह कार्डिगन पहने हुए थी। द वुडन बटन्स वेयर रेदर पेल फ्रॉम वॉशिंग, और उस कार्डिगन की जो लकड़ी की जो बटने थी उसमें जो थी लकड़ी की बटने लगी हुई थी, और वो लकड़ी की बटने जो थी बार बार धोने के कारण, जैसे हम वॉशिंग करते हैं किसी कपड़े की, तो बार बार धुल जाने के कारण उसकी जो लकड़ी की जो बटने थी वो अपेक्षाकृत जो है पीली पड़ गई थी, पेल माने पीलापन होना, ठीक है। शी सॉ दैट आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन, और उस महिला ने मुझे देखा
कि मैं जो हूं उसके कार्डिगन को देख रही हूं, मैं उसके कार्डिगन को देख रही हूं। एंड हाफ हिड हरसेल्फ अगेन बिहाइंड द डोर, और जैसे ही उसे प्रतीत हुआ उस महिला को कि मैं उनके पहने हुए कार्डिगन पर नजर जमाए हुए हूं, तो वो तुरंत फिर से दरवाजे के पीछे छुप गई। हाइड हरसेल्फ अगेन मैंने अपने आप को छिपा देना, बिहाइंड द डोर मैंने दरवाजे के पीछे वो पुनः पूर्ण रूप से छिप गई। बट आई न्यू नाउ दैट आई वॉज राइट, लेकिन तभी मैं जान पाई कि आई वॉज राइट, कि मैं सही थी, अर्थात मैं सही जगह पर पहुंची थी। वेल यू न्यू माई मदर, आई आस्क, ठीक है क्या आप मेरी मां को जानती हैं, मैंने पूछा। हैव यू कम बैक, सेड द वुमन, तो उस महिला ने जवाब दिया, तो क्या तुम वापस आ गई हो। आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक, मैं यह सोचती थी, महिला ने कहा कि आई थॉट दैट, मतलब मैं यह सोचती थी नो वन हैड कम बैक, कि कोई भी वापस अब तक नहीं आया है, ओनली मी। तो नैरेटर ने वहां पर जवाब दिया कि केवल मैं ही वापस आई हूं। ए डोर ओपन्ड एंड क्लोज इन द पैसेज बिहाइंड, उसी बीच जब मैं उससे ये बात कर रही थी, उसी बीच जो है पैसेज का मतलब था गलियारा, रास्ता, सकरा जो रास्ता होता है, गैलरी जो होती है ना, तो उस घर की जो गैलरी थी एक गलियारा था, उस गलियारे के पीछे है ना, मतलब उस महिला के पीछे जो गलियारा था उसमें जो है एक दरवाजा खुला और बंद भी हुआ, उसकी आवाज आई, कहने का मतलब एक दरवाजा खुलने की और बंद होने की आवाज मुझे आई, मुझे दिखाई दिया। ए मस्टी स्मेल इमर्ज, और जैसे ही वो दरवाजा खुला और बंद हुआ उसमें से एक मस्टी, मस्टी का होता है आपकी जो बरसात, बरसात होने के बाद में जो सीलन होती है ना, गीलेपन के कारण जो सीलन होती है, उस सीलन की जो बदबू थी, स्मेल थी, वह इमर्ज का मतलब वहां से निकली, मतलब मुझे आभास हुआ एक सीलन भरी बदबू का। आई रिग्रेट, आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू, उस महिला ने तभी जवाब दिया उसी बीच कि मुझे खेद है कि मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। तो नरेटर आगे कहती हैं, आई हैव कम हियर स्पेशली ऑन द ट्रेन, मैं यहां विशेषकर स्पेशली ऑन द ट्रेन माने ट्रेन पर चढ़ करके आई हूं। आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर ए मोमेंट, और मैं आपसे एक मिनट बात करना चाहती हूं। इट इज नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ, तो उस महिला ने जवाब दिया कि इट इज नॉट कन्वीनियंट, कन्वीनियंट का मतलब होता है सुविधाजनक, फॉर मी मतलब मेरे लिए अभी जो है यह, अभी नाउ का मतलब अभी है ना, इट इज नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ, इस समय जो है मेरे लिए सुविधाजनक नहीं है तुमसे बात करना, सेड द वुमन, उस महिला ने मुझसे कहा। आई कांट सी यू, मैं तुमसे बात नहीं कर सकती है ना, अनादर टाइम मतलब फिर किसी दिन आना, ऐसा उस महिला ने मुझसे कहा। शी नॉडेड एंड कॉशियसली क्लोज द डोर एज दो नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब, उसने जो है हां में सिर हिलाया, नॉडेड का मतलब हां में सिर हिलाना, एंड कॉशियसली मतलब कि सावधानी पूर्वक मैंने सर को हिलाते हुए कि दोबारा आना ठीक है, ऐसा करके मुझे जो है जाने के लिए कहा, और जो है उसने मतलब सावधानी पूर्वक जो है दरवाजे को बंद कर दिया, क्लोज द डोर एज दो जैसे कि ठीक है, नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब, जैसे कि घर के अंदर का कोई भी व्यक्ति जो है उस पर बाधा ना पहुंचे है ना, शुड बी डिस्टर्ब, डिस्टर्ब के अंदर बाधा पहुंचना, विघ्न पहुंचना, मतलब अंदर में जो भी व्यक्ति होंगे उनके लिए किसी प्रकार की विघ्नता न हो, ऐसे सावधानी पूर्वक जो है उसने दरवाजे को बंद कर दिया, मतलब ज्यादा भड़बड़ाहट नहीं की, चुपचाप दरवाजे को लगा दिया ताकि अंदर वाले को कोई डिस्टर्बेंस ना हो। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन स्टेप, मैं खड़ी थी, वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप, जहां पर मैं सीढ़ियों पर खड़ी थी उसी जगह पर मैं खड़ी थी। द कर्टन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव,
द कर्टन, कर्टन का मतलब होता है पर्दा, इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो, बे विंडो मतलब जो दरवाजा था उसके बगल से जो एक खिड़की लगी हुई थी वहां पर जो पर्दा लगा हुआ था वह एक तरफ हटा, ठीक है, मूड माने वो सरका उसमें, ठीक है ना। समवन स्टेयर्ड एट मी, और उसमें से जो है पर्दे को मतलब हटा करके किसी ने मेरी तरफ जो है झांका, एंड वुड देन हैव आस्क्ड व्हाट आई वांटेड, शायद यह पूछने के लिए कि मैं क्या चाहती हूं, और यदि मैं शायद ऐसा पूछती तो उस महिला का क्या जवाब, ओ नथिंग, अरे कुछ नहीं। द वुमन वुड हैव सेड, शायद वो महिला यही जवाब देती, इट वॉज नथिंग, कोई बात नहीं, ऐसा ही शायद वह जवाब देती अगर मैं उससे पूछती, है ना। तो इस बात का जो है अंदेशा उस महिला को हुआ और उसने झट से फिर से जो है उस पर्दे को पुनः क्लोज कर दिया, बंद कर दिया। आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन, मैंने पुनः जो है दरवाजे पर लगी हुई नेम प्लेट को, जो नेम मतलब नाम की जो पट्टिका होती है एड्रेस की, है ना, उस पर मैंने फिर से ध्यान दिया। डार्लिंग इट सेड, उसमें लिखा था डार्लिंग इन ब्लैक लेटर्स ऑन व्हाइट इनेमल, इनेमल का मतलब जिसका पीछे का आवरण, जिसका पीछे की जो पट्टिका जो थी वो पूरी सफेद थी, और मतलब उसी को इनेमल कहा जाता है, और उस पर जो है काले अक्षरों से अंकित था डार्लिंग, ठीक है। एंड ऑन द जैम्ब, जैम्ब का मतलब होता है दरवाजे की जो चौखट होती है उसको जैम्ब कहा जाता है, खास करके जो ऊपरी हिस्सा होता है चौखट का, है ना, दरवाजा जो हम लोग लकड़ी का लगाते हैं उसके ऊपर का जो भाग होता है उसको चौखट पूरा ही होता है एक्चुअली, लेकिन जो ऊपर का हिस्सा है उसको हम जैम्ब कह सकते हैं, ठीक है। ए बिट हायर मतलब उसकी ऊंचाई पर, है ना, उसकी हल्की सी ऊंचाई पर द नंबर, एक नंबर लिखा हुआ था, नंबर 46, क्या लिखा था वहां पर, नंबर 46, ऐसा करके जो है उस जैम पर, उस चौखट पर मतलब जो है अंकित था उस घर का नंबर, जो कि क्या था, 46 नंबर था। एज आई वॉक्ड स्लोली बैक टू द स्टेशन, और जैसे ही मैं धीमे धीमे कदमों से स्टेशन की तरफ वापस लौटी, आई थॉट अबाउट माई मदर, मैं अपनी माँ के बारे में विचार करने लगी, हु हैड गिवन मी द एड्रेस इयर्स एगो, जिन्होंने मुझे जो है कई वर्ष पहले यह पता दिया था, जैसा कि हमारा शीर्षक है द एड्रेस, ठीक है। तो हु हैड गिवन मी द एड्रेस इयर्स एगो, माने कई वर्षों पहले मुझे जो है मेरी माँ ने यह पता दिया था नंबर 46 वाला, और उसी की याद मुझे आई। इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वार, और यह बात उस समय की है जब जो विश्व युद्ध चल रहा था उसका उत्तरार्ध का समय था, मतलब जो पहला हाफ जो था, है ना, युद्ध को दो भाटों में अगर बांटा जाए तो पहला हिस्सा जो था समय का, उस समय की ये बात है जब उन्होंने मुझे यह पता दिया था। आई वॉज होम फॉर अ फ्यू डेज, उस समय जो है मैं घर में कुछ दिनों के लिए आई थी, पहुंची थी। एंड इट स्टक मी इमीडिएटली, और मुझे जो है अचानक वहां पर ये बात खटकी थी, स्टक हुई थी मुझे, दैट समथिंग कि कुछ, और अदर अबाउट या अन्य कुछ, द रूम्स हैड चेंज्ड, कि हमारे घर में जो है कुछ ना कुछ परिवर्तन हो गया है, ऐसा मुझे प्रतीत हुआ था जब मैं जो हूं युद्ध के पहले उत्तरार्ध में घर पर पहुंची थी। आई मिस वेरियस थिंग्स, मैंने अपने घर में कई चीजों को अनुपस्थित पाया, मिस पाया, कि वहां पर बहुत सारी चीजें मुझे दिखाई नहीं दी। माई मदर वॉज सरप्राइज्ड, आई शुड हैव नोटिस सो क्विकली, और मेरी माँ को भी आश्चर्य हुआ कि मैं कैसे कितनी जल्दी जो है घरों में किसी चीज के ना होने को जान गई थी। नोटिस कर लिया था मैंने कि मेरे घर में कुछ जरूरी चीजें नहीं दिखाई दे रहे, कुछ मिस हो रहा है, जैसे ही मुझे ऐसा प्रतीत हुआ तो मेरी माँ को भी ये आश्चर्य हुआ कि कैसे मैं जान गई मेरे घर में कि कोई चीज नहीं है करके। देन शी टोल्ड मी, इसके बाद उन्होंने जो है मेरी माँ ने मुझसे कहा अबाउट मिसेस डार्लिंग, उस समय जो है उन्होंने मुझे मिसेस श्रीमती डार्लिंग के विषय में बताया था। I had never heard of her, इसके पहले मैंने कभी जो है डार्लिंग के विषय में नहीं सुना था।
बट अपरेंटली का मतलब था स्पष्ट रूप से, शी वॉज एन ओल्ड एक्वाइंटेंस, एक्वाइंटेंस का मतलब था जान पहचान ऑफ माई मदर, लेकिन स्पष्ट रूप से वह मेरी मां के पुराने जान पहचान की एक महिला थी, होम शी हैडन सीन फॉर इयर्स, और जिनसे मेरी मां कई वर्षों से नहीं मिली थी पहले, लेकिन शी हैड सडनली टर्न अप, लेकिन अचानक जो है वो वापस आ गई थी, एंड रिन्यूड देयर कॉन्टेक्ट, और उन्होंने अपने पुराने संपर्क को, जो पुराना मेल मिलाप था उनका मेरी मां के साथ डोरलिंग का, उसको उन्होंने नया कर लिया था रोज रोज मिल करके, उसमें मतलब नयापन आ गया था, सिंस देन शी हैड कम रेगुलरली, जब से वह नियमित रूप से जो है हमारे घर पर आ रही थी, और बार बार घर में आ आ करके जो है उसने मेरी मां से जो है अपने संपर्क को नया बना लिया था, अपना जो खोया हुआ जो रिश्ता था उसमें नयापन ले आया था, जैसा कि लोग करते हैं। आगे नैरेटर क्या विचार कर रही है जाते जाते देखिए, उसी घटनाक्रम में, एवरी टाइम शी लीव्स हियर शी टेक्स समथिंग होम विथ हर, माने वह महिला डॉर्लिंग जो है जब भी मतलब हमारे घर से जाती वह कुछ न कुछ अपने घर के लिए ले जाती थी, सेड माई मदर, मेरी माँ ने मुझे बताया, शी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो, वन गो का मतलब एक ही बार में वह जो है टेबल पर सजी हुई जो चांदी की प्लेटें थी वो ले गई, एंड देन द एंटिक प्लेट्स, और इसके बाद में जो है एंटिक का मतलब दुर्लभ, प्लेट्स माने जो है जो बर्तन होते हैं, प्लेट तस्तरियां होती हैं, दैट हंग देयर, हंग माने लटकी हुई, जो वहां पर लटकी हुई थी दुर्लभ प्लेटें, उनको भी दोबारा में ले गई, शी हैड ट्रबल लगिंग दोज लार्ज वेसेस, और उन्हें मतलब कि डॉर्लिंग को मां मेरी बताई बताती थी कि शी हैड ट्रबल, माने उनको परेशानी हुई होगी लगिंग मतलब कि ले जाने में, ढोने में, दोज लार्ज वेसेस माने जो बड़े बड़े फूलदान थे उनको ले जाने में उन्हें कितनी जो है तकलीफ हुई होगी, है ना, एंड आई एम वरिड शी गॉट अ क्रिंक इन हर बैक फ्रॉम द क्रॉकरी, और मुझे चिंता थी कि शी गॉट अ क्रिंक, क्रिंक का मतलब ऐठन आ जाना इन हर बैक, मतलब कि उनकी कमर में जो है, मुझे इस मेरी माँ ने मुझे बताया कि मुझे तो इस बात की चिंता थी कि उन्हें क्रॉकरी, क्रॉकरी माने चीनी पोत के जो बर्तन होते हैं उनको ढोने में बार बार ले जाने में कहीं उनकी कमर में जो है ऐठन ना आ जाए, इतने हमारे पास जो है बर्तन थे क्रॉकरी के, माई मदर शुक हर हेड पिटिंगली, मेरी माँ जो है ऐसा बताते बताते जो है उसके प्रति जो है सहानुभूति दिखाने लगी, है ना, माई मदर शुक हर हेड पिटिंगली, मतलब सहानुभूति के साथ जो है मेरी माँ ने जो है सर नीचे झुका लिया उस डॉर्लिंग डॉर्लिंग की बात को बताते हुए, आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, और आगे जो है सहानुभूति जताते हुए मेरी माँ ने उसके विषय में कहा, उस डॉर्लिंग के विषय में, कि मैं शायद उन्हें जो है ऐसा कह पाने की हिम्मत कभी ना करती, शी सजेस्टेड इट, लेकिन डॉर्लिंग ने स्वयं जो है मुझे सुझाव दिया, इट टू मी के मुझे सुझाव दिया, हरसेल्फ माने स्वयं ने, शी इवन इंसिस्टेड, यहां तक कि उन्होंने इस बात पर जोर देकर के कहा कि शी वांटेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग्स, कि वह जो है मेरी सभी वस्तुओं को माने सभी अच्छी वस्तुओं को सुरक्षित रखना चाहती है, इफ वी हैव टू लीव हियर वी शैल लूज एवरीथिंग शी सेज, और वो कहती थी कि यदि हमको यहां से छोड़कर के जाना पड़े, क्योंकि युद्ध का समय था, अगर हमें छोड़कर के जाना पड़े तो हो सकता है कि सभी चीजें यहां पर रह करके जो है खराब हो जाएंगी अगर छूट जाएंगी, इसलिए जो है ऐसा कह करके वह धीरे धीरे मेरे घर की सभी अच्छी वस्तुओं को जो है अपने साथ ले गई। हैव यू एग्रीड विथ हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग आई आस्क, तो मैंने जो है उस समय अपनी मां से पूछा था, क्या तुम उसकी बात से सहमत हो गई थी कि वह हर चीज जो है अपने घर ले जाकर के रख ले, तो इस पर जो है मेरी मां गुस्सा हो गई थी और चिल्ला करके मुझसे कहा था, माई मदर क्राइड एज इफ दैट नेसेसरी, क्या यह पूछने की कोई जरूरत थी उन्हें कि क्यों मेरे साथ जो मेरे घर की सामान जो है चीजें लेकर के आप वहां अपने घर में रख रही हो,
हाँ, इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट, क्या इस प्रकार से किसी से पूछना उनका अपमान करना ना होगा? एंड थिंक अबाउट द रिस्क शी इज रनिंग ईच टाइम शी गोज आउट ऑफ आवर डोर विथ अ फुल सूटकेस और बैग. और मेरी माँ ने मुझे समझाते हुए कहा कि और सोचो अबाउट द रिस्क, उस जोखिम के बारे में सोचो, शी इज रनिंग, जो कर की वह जो है उठा रही थी, ईच टाइम में हर बार उठा रही थी, शी गोज आउट ऑफ आवर डोर, जब भी वह हमारे घर से बाहर जाती थी, विथ अ फुल सूटकेस और बैग, माने सूटकेस भर करके अथवा बैग भर करके जो हमारे घर से बाहर जाती थी सामान को लेकर के. तो उस बारे में सोचो कि वो कितना रिस्क उठा रही थी, कितना जोखिम उठा रही थी, और ऐसे में उसको क्या पूछना, ये अच्छी बात थी युद्ध के दौरान. माई मदर सीम्ड टू नोटिस दैट आई वॉज नॉट इंटायरली कन्विंस्ड. माई मदर सीम्ड टू नोटिस दैट, मतलब कि मेरी माँ शायद समझ गई थी या मेरी माँ को शायद प्रतीत हो रहा था कि आई वॉज नॉट इंटायरली कन्विंस्ड, कि मैं उनकी बात से कन्विंस, मैंने सहमत होना, पूर्ण रूप से सहमत नहीं थी जो बात वह अपनी सहेली डॉर्लिंग के विषय में बता रही थी, है ना, उससे मैं सहमत नहीं हूं, ऐसा जो है मेरी माँ को उस समय प्रतीत हुआ. शी लुक्ड एट मी रिप्रोविंगली एंड आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट. इसके बाद शी लुक्ड एट मी, माने शी लुक्ड एट मी, माने मेरी माँ ने मेरी तरफ देखा, रिप्रोविंगली का मतलब धिक्कारते हुए, है ना, धिक्कारते हुए जो है मेरी तरफ देखा. एंड आफ्टर दैट, और उसके बाद, मतलब इस घटना के बाद, वी स्पोक नो मोर अबाउट इट, हमने जो है उस घटना के विषय में, उस डॉर्लिंग के विषय में ज्यादा बातें नहीं की. और यही सोचते सोचते इसी दौरान, मतलब जो ये पिछली बात जो उनकी माँ और उनके जो है मतलब नैरेटर है उनके बीच जो बात हुई थी, उसी को सोचते सोचते जो है जो नैरेटर हैं, इसी दौरान मीन वाइल कहा गया है, आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन. नैरेटर कह रहे हैं कि मैं इन्हीं को सोचते हुए, उसी कथा कहानी को सोचते हुए जो है मैं स्टेशन पहुंच गई, विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन टू थिंग्स ऑन द वे, माने बिना जो है, अटेंशन का मतलब ध्यान दिए हुए, टू थिंग्स माने वस्तुओं पर ध्यान दिए हुए, ऑन द वे माने जो रास्ता था, जिस रास्ते से मैं चल करके आई थी, तो मैं केवल विचारों में ही जो है ठहरी हुई थी, इसलिए मैंने अगल बगल पर जो है सड़क के किनारों पर जो है मैंने ध्यान नहीं दिया. आई वॉज वॉकिंग इन फैमिलियर प्लेसेस अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द वॉर. आई वॉज वॉकिंग मतलब मैं यात्रा कर रही थी इन फैमिलियर प्लेसेस, मतलब अपने परिचित जगहों पर, है ना, क्योंकि बचपन में वो वहीं रहा करती थी, इसलिए यहाँ पर कहा गया आई वॉज वॉकिंग इन फैमिलियर प्लेसेस अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द वॉर, माने युद्ध के बाद, युद्ध के बाद कई वर्षों बाद जो है मैं पुनः जो है एक बार अपने उसी परिचित स्थान पे जहां मैं पहले निवास करती थी वहां पर जो है मैं यात्रा कर रही थी, चल रही थी. बट आई डिड नॉट want to go further than was necessary. लेकिन मैं जो हूं और आगे नहीं जाना चाहती थी जो मेरे लिए आवश्यक नहीं थे. I did not want to upset myself, क्योंकि ऐसा करने पर जो है मैं अपने आप को निराश कर लेती with the sight of streets. मतलब कि रास्तों पर अगर मैं चीजें देखती तो उन जान पहचान की चीजों को देख करके जो है शायद मैं अपसेट हो जाती, दुखी हो जाती. एंड हाउसेस माने घरों को देख करके, फुल ऑफ मेमोरीज माने उन यादों, वो जो यादें हैं मेरी पिछली, वो यादें शायद मेरी ताजा हो जाती अगर मैं उन्हीं रास्तों पर देखती हुई चलती, उन घरों को देखती हुई चलती जहां पर मैं पहले रहा करती थी, घूमा करती थी, फ्रॉम अ प्रीशियस टाइम, उस जो है कीमती समय पर. ठीक है, तो इसलिए जो है मेरी यादें वहां से जुड़ी हुई थी, इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपने आप को निराश करूं उन वस्तुओं को पुनः देख करके, इसलिए मैंने जो है अगल बगल ध्यान नहीं दिया था, केवल अपने विचारों पर, अपनी माँ के साथ हुए वार्तालाप को जो है सोचते हुए मैं स्टेशन पहुंच गई थी. इन द ट्रेन बैक, वापस गाड़ी में, आई सॉ मिसेस डॉर्लिंग इन फ्रंट ऑफ मी अगेन. मैंने मिसेस डॉर्लिंग को पुनः अपने सामने देखा. एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर, एज आई हैड द फर्स्ट टाइम, जैसा कि मैं उनसे पहली बार मिली थी उसी प्रकार से,
इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर. इट वॉज द मॉर्निंग माने वह सुबह थी, आफ्टर द डे माने उस दिन के बाद की मॉर्निंग थी, है ना. माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर, जब मेरी माँ ने जो है उनके बारे में बताया था, मतलब डोर्लिंग के विषय में जो बताया था कि किस प्रकार से वो हमारे घर से सामान ले जाती थी, है ना, उसकी अगली सुबह की बात थी. ठीक है. आई हैड गॉट अप लेट, मैं उस दिन लेट उठी थी. एंड कमिंग डाउन स्टेयर, और सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, तभी आई सॉ माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट, तभी मैंने देखा कि मेरी माँ किसी को बाहर जो है छोड़ने जा रही थी. ए वुमन विथ अ ब्रॉड बैक, एक ऐसी औरत को जिसकी पीठ चौड़ी थी, जिसकी कमर चौड़ी थी. देयर इज माई डॉटर, सेड माई मदर, तभी जो है मेरी माँ ने उस महिला को अर्थात डोर्लिंग को जो है इशारा करके बताया था कि वह मेरी पुत्री है. शी बैकंड टू मी, और उसने जो है मुझे इशारे से बुलाया था. द वुमन नॉडेड एंड पिक्ड अप द सूटकेस अंडर द कोट रैक, और उस औरत ने जो है नॉडेड माने सिर हिलाते हुए, एंड पिक्ड अप द सूटकेस अंडर द कोट रैक माने कोट रैक से जो है सूटकेस को निकाला था उठा करके. शी वोर अ ब्राउन कोट एंड अ शेपलेस हैट, उस समय जो है वह महिला, ठीक है, एक ब्राउन रंग का जो है कोट पहने हुए थी, भूरे रंग का, एंड अ शेपलेस हैट, और एक आकृति विहीन जो है टोपी, टेढ़ी मेढ़ी कहने के बाद कोई उसकी आकृति, कोई शेप अच्छा अट्रैक्टिव शेप नहीं था, उस प्रकार की वो हैट पहनी हुई थी. Does she live far away? I asked. तो मैंने उस समय अपनी माँ से पूछा था कि क्या यह बहुत दूर रहती हैं? Seeing the difficulty, she had going out of the house with the heavy case. जब मैंने उस महिला को difficulty का मतलब जो है कठिनाई पूर्वक सिंह मैंने जाते हुए देखा था, है ना. शी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस मैंने घर से बाहर जाते हुए देखा था, विद द हैवी केस, भारी भरकम सामान के साथ जब मैं उसे जाते हुए देखी थी, तब मैंने अपनी माँ से पूछा था कि क्या ये महिला बहुत दूर रहती है. इन मार्कोनी स्ट्रीट, मतलब मार्कोनी स्ट्रीट की ये घटना है उनके घर के पास की. सेड माई मदर, तो मेरी माँ ने बताया था कि इन मार्कोनी स्ट्रीट, मतलब ये मार्कोनी स्ट्रीट में रहती है, नंबर 46, इनके घर का नंबर है 46, रिमेंबर दैट, इसे याद रखो, ऐसा करके जो है मेरी माँ ने मुझे उस समय जो है पुरानी बात को है यहाँ पर भी याद कर रही हैं, जब ट्रेन में वो बैठी हुई हैं, है ना, तब भी जाते समय जो है उनको पुरानी बातें याद आ रही हैं नरेटर को, और उन्हें जो है उनकी माँ की बात याद आ रही कि उनकी माँ ने कैसे बताया था कि जब जो है एक बार जो है उनको जब वो घर से बाहर जा रही थी भारी भरकम सामान लेकर के, तो तब मेरी माँ ने मुझे बताया था कि ये जो है मार्कोनी स्ट्रीट में रहती है, ठीक है, और मकान नंबर 46 है, इसे याद रखो, ऐसा करके जो है उनकी माँ ने, मतलब नरेटर की माँ ने उन्हें बताया था. तो आज आपने जो है इस पहले पार्ट में, द एड्रेस के पहले पार्ट में आपने देखा कि किस प्रकार से लेखिका जो है एक महिला से मिलने जाती है, लेकिन वह महिला जो है लेखिका को पहचानने से इनकार कर देती, जो हमारी नरेटर है कहानी की, है ना, उनको पहचानने से जो है इनकार कर देती है, है ना, और वो लौटती है तो किस प्रकार से जो है स्मरण करती है अपनी माँ के द्वारा जो है बताई गई बातों को, जो उसी डॉर्लिंग के विषय में थी, कि किस प्रकार से वह जो है उनके घर आया करती थी और अलग अलग सामान जो है बार बार ले जाया करती थी, और एक बार जो अब जा रही थी सामान लेकर के, तो मेरी माँ ने जो है उनसे पहचान भी करवाई थी कि ये जो है डॉर्लिंग है और मार्कोनी स्ट्रीट में रहती है, मकान नंबर 46 में, और इसे याद रखना, ठीक है. तो इसके आगे का पार्ट हम